आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामचरितमानस के लाइफ मैनेजमेंट टिप्स। तो स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। रामायण में कई ऐसी नीतियाँ बताई गई हैं जिन्हें जीवन में उतार लेने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में सूर्पनखा और रावण का एक प्रसंग है। इस प्रसंग में सूर्पनखा ने रावण को बताया था कि किन बुराइयों की वजह से हमारे सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो जानते हैं सूर्पनखा और रावण का प्रसंग। सूर्पनखा रावण से कहती है कि वासना और लालच से सन्यासी और मंत्रियों की गलत सलाह से राजा नष्ट हो जाता है। अहंकार से ज्ञान और विज्ञान व्यक्ति भी बर्बाद हो सकता है। नशे से शर्म खत्म हो जाती है तो विनम्रता के बिना प्रेम खत्म हो जाता है। ये नीति मैंने खुद सुनी है। आइए जानते हैं लाइफ मैनेजमेंट के सूत्र किस प्रकार हैं। पहला सूत्र जो सन्यासी लालच और वासना के बारे में विचार करता है वह उसे मोक्ष मिल पाता है ना ही माया में। आइए जानते हैं मैनेजमेंट के सूत्र जो सन्यासी लालच और वासना के बारे में विचार करता है उसे ना मोक्ष मिल पाता है और ना माया। दूसरा सूत्र जो राजा बिना सोचे समझे मंत्रियों की गलत सलाह मान लेता है वह निश्चित ही नष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को किसी एक मंत्री की सलाह ना मानकर मंत्रिमंडल से परामर्श लेकर ही कार्य करना चाहिए। तीसरा सूत्र इस व्यक्ति में अहंकार की भावना होती है वो विद्वान ज्ञानी होने के बाद भी किसी काम का नहीं होता है। चौथा सूत्र जो व्यक्ति नशा करता है वो बेशरम हो जाता है, यानी गलत काम करते हुए किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं आती है, जल्द ही वह नष्ट हो जाता है। और आखिरी और पांचवा सूत्र जिस प्रेम में विनम्र